दून अस्पताल में अब एक साल तक के बच्चों का इलाज फ्री में होगा। परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह एक साल तक के बच्चे के इलाज भी बिल्कुल फ्री होगा। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने दो स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक वीजा बोई, जिसके अंतर्गत एक साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जाँचों और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे और एक साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। बच्चों के दिल की सर्जरी, पीडिया सर्जरी विभाग में विभिन्न सर्जरी, कैंसर का इलाज, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी के कई ऑपरेशन भी फ्री होंगे। आपको बता दें कि सर्जरी और इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अब दून अस्पताल में ये सभी सर्जरी और इलाज एक साल के बच्चे का फ्री में होगा। देखिए, हाँ, अभी तक इसमें कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि हमें कितने तक का इलाज मुफ्त देना है या कौन सी किस तरह का इलाज मुफ्त देना है, लेकिन इसमें और भी योजनाएं हैं जहां पर बच्चों के कठिन जटिल ऑपरेशन भी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी भी बच्चों की हुई है, तो वो सब और भी बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरीके के हैं, तो यहाँ पर हमारे हेल्प डेस्क पर पूछ सकते हैं, वो निःशुल्क उपलब्ध है। उत्तराखंड सरकार और दून अस्पताल की ये पहल बच्चों के अच्छे इलाज में कामगर साबित होगी, इसलिए कई गरीब परिवार पैसे के अभाव में बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में अब गरीब परिवार भी अपने बच्चों का अच्छे से इलाज करा पाएंगे।